दोस्तों हम आपको उच्च न्यायालय जबलपुर का जो जिला न्यायालय में जितने भी असिस्टेंट ग्रेड 3 और कोर्ट मैनेजर शीघ्र लेखक 2 शीघ्र लेखक 3 इनका कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से यहाँ पर लिस्ट आई है, वो आप देख सकते हैं। अपना नाम आप सर्च कर सकते हैं सर्च बॉक्स में, या आप अपना रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर MPSC करके यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको जो है पूरा का पूरा आपका जो शो करता हुआ दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो अभी ये देख लेते हैं हम फटाफट कि कितना क्या कट ऑफ गया है OBC ST SC का सभी प्रकार की जो भी कैटेगरीज हैं उन सभी में, ठीक है। आइए देख लेते हैं दोस्तों यहाँ की अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए 2 और 3 के लिए, यहाँ पर जो स्टाफ मैनेजर पोस्ट के लिए अगर हम जनरल की बात करें तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जनरल के लिए यहाँ पर जो लिस्ट गई है वो आपकी 77 गई है, यहाँ पर हम बता दें आपको। और ये देखिए आप 77 यहाँ पर कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे, ये 77 आपको दिख रहा है, ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट पर दिखा देते हैं OBC, तो दोस्तों OBC की बता दें हम आपको, OBC में यहाँ पर 81 गई है यहाँ पर स्टेनो के लिए, ठीक है, यहाँ पर 81 आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट और देख लेते हैं SC के बारे में देख लेते, तो SC की बात करें तो SC के दोस्तों यहाँ पर 70 लिस्ट गई है, आप देखिए यहाँ पर 70 आपकी लिस्ट गई है SC कैटेगरी के लिए, स्टेनो के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, तो ST कैंडिडेट के लिए मात्र 45 नंबर पे यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, मात्र 45 नंबर लाने वाले ST कैंडिडेट जो भी हैं वो फील मेल हो या फीमेल उन सभी का यहाँ पर 45 से या उससे ज़्यादा नंबर लाए हैं तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है टाइपिंग के लिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3, यहाँ पर हम आपको बता दें कि क्या कुछ यहाँ पर इस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए गया है। कट ऑफ 300 टोटल पोस्ट थी, UR का कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पर जनरल की बात करें तो 79 आपको देखने को मिलेगी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, 79 आपको जो 79 या उससे ज़्यादा नंबर लाए थे उन सभी का यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया गया है, 79 या उससे ज़्यादा। जनरल की बात कर रहे हैं हम, UR कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो OBC की बात करें तो 121 पोस्टों के लिए कितनी यहाँ पर गई है तो उसको देख लेते हैं। आइए टोटल यहाँ पर 82 गया है कट ऑफ, 82 OBC के लिए देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए आप OBC असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर जो जनरल से ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिला है वो OBC को देखने को मिला है। यहाँ पर पहले भी ऐसा देखा जा चुका है कि OBC का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर काम नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर उसमें जो रोस्टर नियम है वो उस तरीके से नहीं होता है पालन, ठीक है, इसका अलग होता है। तो अब बात करते हैं हम SC कैटेगरी की, SC कैटेगरी बात करें तो SC कैटेगरी में यहाँ पर आपको बता दें हम कि यहाँ पर 73 नंबर पर कट ऑफ गया है। यहाँ पर SC कैटेगरी की बात करें 73 नंबर लाने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। अब बचा हुआ नेक्स्ट ST की बात करें तो ST में हम आपको बता दें कि ST कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर हम आपको बता दें अंतिम रूप से चयनित जो व्यक्ति है वो कितने नंबर पर चयन किया है उसका और उसका क्या डेट ऑफ बर्थ है वो सारी जानकारी भी आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपका अभी हम दिखा दें तो यहाँ पर मात्र 60 यहाँ पर गया है कट ऑफ, देखिए 60 ST कैटेगरी में असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। और इसके बाद इंग्लिश नोइंग की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश वाले असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग वाले में कितना गया जनरल का और SC का 16 पोस्टों के लिए, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसके लिए जो 77 गया है जनरल की बात करें तो यहाँ पर 77 इंग्लिश नोइंग वालों के लिए 77 गया है। और OBC की बात करें तो OBC में 87 गया है, 87 यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा गया है। आप जानते हैं कोर्ट के कोर्ट में अलग ही रहता है, OBC को यहाँ पर नहीं मिलता है उतना लाभ, ठीक है, और क्योंकि वहाँ पर वही कैंडिडेट उसमें उसी अपनी कैटेगरी में फाइट करते हैं, ठीक है। ST की बात करें तो ST में यहाँ पर 52 हुआ है, 52 पे आप देख लीजिए यहाँ पर आप 52 पे देखने को मिलेगा आपको। और इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ देखने को रहा है, तो आप सभी अपना अपना यहाँ पर सिलेक्शन देख सकते हैं जिनका भी हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।